ऑटो गैट सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऑटो गैट में डायमेंशन स्टाइल का सेटिंग किस तरह से किया जाता है। तो देखिए डायमेंशन स्टाइल ये डायमेंशन मेनू का कमांड है और उसका शॉर्ट की है डी, या आप डायम स्टाइल टाइप करके भी इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायमेंशन स्टाइल का बेसिक सेटिंग किस तरह से किया जाता है जो ड्राइंग के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं कमांड लेता हूँ डी इंटर। तो देखिए इस तरह से डायमेंशन स्टाइल का एक चार्ट ओपन होता है जिसमें इस तरफ है स्टैंडर्ड लिखा हुआ, तो उसी को हम मॉडिफाई करेंगे या आप नया स्टाइल भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू करके आप इस तरह से नया स्टाइल जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी को मॉडिफाई करके आपको बताऊँगा। तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं और मॉडिफाई पर क्लिक करना होता है। तो उसके बाद इस तरह से एक चार्ट ओपन होगा, तो उसमें सबसे पहले है लाइन, तो आप लाइन पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले है यहाँ पे डायमेंशन लाइंस। तो यहाँ पे कलर दिया हुआ है तो कलर में बाइलर करना है, लाइन टाइप भी बाइलर करना है, उसके बाद लाइन वेट भी बाइलर करना है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटेंशन थिकनेस, उसको कुछ नहीं करना है, उसके बाद बेस लाइन स्पेसिफिकेशन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि वो किस तरह से रखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग है, तो देखिए इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ का आपका जो डायमेंशन है वो ऐसे हाइड हो जाएगा, इसलिए इसको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो एक्सटेंशन लाइन है, तो यहाँ पे भी बाइलर करना है और सेकेंड एक्सटेंशन लाइन भी बाइलर करना है, सब जगह पर बाइलर ही करना है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन और ऑफसेट फॉर ओरिजन, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से है। तो फिलहाल इतनी सेटिंग को मैं ओके करता हूँ और क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों देखिए आपके सामने एक फिगर है जिसमें ये देखिए 60 लिखा हुआ है, वो डायमेंशन का टेक्स्ट है, और उसके बाद देखिए ये डायमेंशन है और डायमेंशन के ऊपर जो एक्सटेंशन लाइन आया हुआ है उसे देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन कहा जाता है, और डायमेंशन टेक्स और डायमेंशन लाइन के बीच में जो गैप रहती है उसे ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन कहा जाता है, मतलब डायमेंशन और डायमेंशन का ऑफसेट। और उसके बाद ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है और ये डायमेंशन का एक्सटेंशन लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसे ऑफसेट फ्रॉम ओरिजन कहा जाता है। तो इस तरह से ये है। अब यही हम टेबल में देखेंगे, तो उसके लिए फिर से मैं कमांड देता हूँ डी इंटर, उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद मैं लाइन पे आता हूँ और लाइन पे आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, तो यहाँ पे 0.18 है तो उसे आपको 1 करना होगा। तो देखिए 1 करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग समझ में आएंगी, जो ऊपर का लाइन है वो एक्सटेंड हो रहा है, उसी तरह ये नीचे का जो ऑब्जेक्ट से लग के जो लाइन है उसका सेटिंग हम 1.5 रखेंगे। ये देखिए 1.5, तो इस तरह से। तो दोस्तों इतना होने के बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे सिंबल एंड एरो में, तो उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एरो हेड, तो एरो हेड में देखिए बहुत से टाइप्स के एरो है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पहला ऑप्शन है क्लोज फील्ड, उसके बाद आर्किटेक्चरल है, ये देखिए इस तरह से, उसके बाद ओपन है, ऑब्लिक है, ओपन 30 वगैरह है, बहुत सारे एरोज है, तो उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ क्लोज फील्ड, और तीनों इसमें आप वही दे सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो लीडर के लिए है, तो आप चेंज कर सकते हैं, वही रहने दे सकते हैं, तो फिलहाल मैं वही रखता हूँ। उसके बाद है एरो साइज़, तो एरो साइज़ मैं 1.5 देता हूँ, तो आपको 1.5 देना है, और यहाँ पर सेंटर मार्क आपको मार्क देना है, और यहाँ पर 1 देना है। उसके बाद डायमेंशन ब्रेक लाइन, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि डायमेंशन ब्रेक लाइन का साइज़ किस तरह से दिया जाता है। और राइट साइड में आप देखेंगे कि आर्क लेंथ सिंबल, तो यहाँ पे अबाउट डायमेंशन टेक्स रखा जाता है। और उसके बाद जो नीचे का सेटिंग है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो उसके बाद हम अगला सेटिंग लेते हैं टेक्स। टेक्स्ट में जाने के बाद टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए अगर आपका स्टाइल यहाँ पे कुछ बना हुआ है, देखिए जैसे कि ये स्टाइल बना हुआ है,
तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड में आपका जो स्टाइल सिलेक्ट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप बाइलेयर भी देख सकते हैं या दूसरा कलर भी दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल येलो देता हूँ। और यहाँ पे है फिल कलर। तो फिल कलर देने से क्या होगा, देखिए, अगर आप फिल कलर देते हैं तो जो टेक्स होगा उसके बैकग्राउंड में वो फिल कलर आएगा, इसलिए वो कुछ नहीं करना है, इसको नन करना है। उसके बाद है टेक्स साइड, तो उसके बाद टेक्स साइड आपको देना है 2.5। और नीचे आएंगे तो टेक्स प्लेसमेंट है, वहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल, तो उस जगह पे आपको अबो रखना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली आपको सेंटर रखना है। और राइट साइड में आप आएंगे तो वहाँ पे है हॉरिजॉन्टल, और उसके बीच का ऑप्शन है अलाइन विद डायमेंशन लाइन, तो वो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और नीचे की तरफ है ऑफसेट फॉर डायमेंशन लाइन, जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में बताया था, तो वो आपको 1 रखना है। तो उसके बाद आपको फिट में जाना है इस तरह से। तो फिट में देखिए ये पांच ऑप्शन है, पांच छह ऑप्शन है, तो उसमें से पहला ऑप्शन ऑन ऑन ही रखना है। उसके बाद ये नीचे वाला जो ऑप्शन है पहला ही, उसे ऑन रखना है। इसमें जो चेंजेस होते हैं वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से चेंजेस होते हैं। फिलहाल बेसिक सेटिंग में ये पहला जो पहले दो ऑप्शन है उसको ही टिक मार्क रहने देंगे। और यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऊपर का सिलेक्ट करते हैं, देखिए इस तरह से इसमें लिखा हुआ है स्केल डायमेंशन टू लेआउट, अगर आप इसमें करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग लेआउट में चलता है, तो उसमें कोई भी स्केल देने की ज़रूरत नहीं है, लेआउट में वो ऑटोमेटिकली सब सेट करता है। लेकिन आप मॉडल में अगर काम करते हैं तो मॉडल में देखिए ये ऑप्शन लेना पड़ता है, यूज़ ओवरऑल स्केल ऑफ, तो ये लेना पड़ता है। और यहाँ पे आपका जो शीट का स्केल होगा, जितना भी स्केल में आप शीट बनाएंगे, जैसे कि 100, 50, 25, 20, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको स्केल लेना पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल देता हूँ 10। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे है प्लेस टेक्स मैनुअली, अगर ये ऑप्शन आप लेते हैं तो ये जो ऊपर का टेक्स है वो आपके जो इस लाइन के एक्सिस में ऐसे घूमते रहेगा, इसलिए ये पहला पहला ऑप्शन आपको नहीं लेना है, उसको टिक मार निकाल देना है। और सेकेंड वाला ऑप्शन है वो लेना है। तो दोस्तों देखिए फिट का सेटिंग होने के बाद हम प्राइमरी यूनिट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूनिट फॉर्मेट, तो उसमें डेसिमल लिखा हुआ है, अगर आपको मैट्रिक में काम करना है तो आपको डेसिमल सिलेक्ट करना होगा, और अगर आपको आर्किटेक्चर में काम करना है तो यहाँ पे आर्किटेक्चर लेना होगा। और बाकी का भी सेटिंग आपको आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो बाकी का भी सेटिंग आपको चेंज करना होगा। तो फिलहाल मैं मैट्रिक का सेटिंग कर रहा हूँ तो इधर डेसिमल लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे है प्रिसेशन, ये प्रिसेशन आपके ड्राइंग के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि मुझे ज़ीरो रखना है तो मैं ज़ीरो रख सकता हूँ, फिर आपका जो डायमेंशन है वो इस तरह से राउंड अप आएगा, मतलब पॉइंट वगैरह नहीं आएगा। और अगर आपको प्रिसेशन रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए प्रिसेशन में ज़ीरो रखता हूँ। उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही सेटिंग करना है। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट और टॉलरेंस, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ओके करना है। उसके बाद करंट सेट करना है और क्लोज करना है। तो उसके बाद आप डायमेंशन कमांड लेंगे, जैसे कि DLI इंटर डायमेंशन लीनियर, तो देखिए डायमेंशन इस तरह से आएगा आपका, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं कमांड लेता हूँ डी इंटर मॉडिफाई, और यहाँ पे मैं प्राइमरी यूनिट में प्रिसेशन 0.00 लेता हूँ, 0.00, और ओके करता हूँ, करंट सेट और क्लोज। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रिसीजन मैंने पॉइंट के बाद दो ज़ीरो लिया था, इसलिए उसने पॉइंट के बाद दो डिजिट तक यहाँ पे बता रहा है। प्रिसीजन का मतलब इस तरह से है, अगर आप प्रिसीजन ज़ीरो रखते हैं तो ये 157 बताएगा। तो ये आपके हिसाब से, आपके ड्राइंग के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो रखना है तो ज़ीरो कीजिए, ओके कीजिए, करंट सेट कीजिए। तो इस तरह से देखिए आपका ये डायमेंशन सेटिंग हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, हमारे वीडियो देखने से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है या नया कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।